नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस, देहरादून में सीएम धामी ने किया वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी एक कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भगवान नागराज प्रकट दिवस पर आयोजन, सीएम धामी ने धार्मिक मेले में की शिरकत। कहा, हमारी संस्कृति में गाय को मां माना गया है, जो कि हमारे लिए पूजनीय है। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने की जनसुनवाई। कलेक्ट्रेट में लोगों ने 98 शिकायतें मिली, कई प्रकरणों में मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश। देहरादून में सेक्स रैकेट का खुलासा, नेपाल समेत कई जिलों की 13 युवती गिरफ्तार। महिला आयोग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने की कार्रवाई। और उत्तराखंड में आखिरी जून में प्रवेश करेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। देश में सामान्य रहेगा मॉनसून। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया, जिसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कहा कि हमारी संस्कृति में गाय को मां माना गया है, गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के लिए सदैव कार्यरत है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून के एक निजी होटल में वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण भी किया गया। लगातार वातावरण दूषित होता रहा, पानी के जो आपका पानी जमीन के अंदर जाना था, पूरा पानी रुकना शुरू हो गया, वाटर लेवल खत्म होना शुरू हो गया, बीमारियां पैदा होनी शुरू हुई और क्लाइमेट जो है चेंजेस का एक्स्ट्रा लगा कि आजकल देहरादून का भी आप देख रहे हैं, कब गर्मी पड़ रही है, कब सर्दी पड़ रही है, कब बारिश हो जा रही है, कोई पता नहीं है। ऐसी स्थिति में आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लेने के बाद इस पर उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को आपस में समन्वय बनाकर हमें एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ग्रीन एनर्जी की जो उन्होंने बात की, खासकर इसीलिए आज ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी होना, सौर ऊर्जा के माध्यम से जिस तरह से टारगेट रखा गया है कि हमारा एटॉमिक और कोल पावर में कम से कम निर्भरता बने। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि परना सभागार कलेक्टर में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनसुनवाई में 98 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर मामले भूमि संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, अतिक्रमण संबंधित और जगह का विवाद, सड़कों के गड्ढे ठीक करने आदि शिकायतें भी प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों पर समाधान हो सके, इसी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास लगातार जारी है। मेनली अतिक्रमण हो गया या अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो गया, एरिया का उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इसी तरह की ज्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं। और कुछ लोग बाहर हैं, उनकी जमीन यहाँ पे है तो उसकी मीनारबंदी, और यही सारी कंप्लेंट मैक्सिमम हमारे यहाँ पे आ रही है जो लैंड से रिलेटेड है।
पूरे देश में बाघों के संरक्षण के मामले में उत्तराखंड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना रहा है। देश में बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद उत्तराखंड का तीसरे स्थान पर नाम आता है, जबकि साल 2022 में हुई गणना के अंदर ताज़ा आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन पिछले 5 महीनों में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 13 बाघों की मौत हो चुकी है, जो वन विभाग के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि इन मौतों पर वन विभाग की तरफ से जांच की जा रही है कि आखिर बाघों की इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। साल 2018 में देश के सभी राज्यों में बाघों की गणना की गई थी, जिसके जारी आंकड़ों में उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शुमार हुआ जिसमें बाघों का संरक्षण तेजी से किया गया है। राज्य में राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2008 के आंकड़े के बाद बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 2008 में प्रदेश में 179 बाघ चिन्हित किए गए थे, जबकि साल 2018 में इसकी संख्या में तेजी से उछाल आया और बाघों की संख्या 442 तक पहुंच गई। साल 2022 में भी एक बार फिर बाघों की गणना की गई, लेकिन देश में अभी कई राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी बाघों की संख्या में ताजा आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन आंकड़ों के जारी होने से ठीक पहले उत्तराखंड वन विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई है। जो आप कह रहे हैं, मनुष्य जीवन में भी जो मनुष्य पैदा हुआ उसको मरना, और एक दुर्भाग्यवश अल्प समय मर जाते हैं दुर्घटनाओं से, और एक उम्र प्राप्त करके मरते हैं। तो अभी तक जो बाघों के मरने की खबरें हैं वो ये हैं कि वो वृद्ध हो गए थे, और वृद्ध होने के बाद क्योंकि वो अपना शिकार नहीं कर पाते, उस दृष्टि से उनकी मौत हुई। कॉर्बेट में शिकारियों का भी अंदेशा है सर? देखिए, उसमें हम लोग लगातार इस पे जो एंटी पोचिंग हमारा सेल है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, और उस पर हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। बीच में कुछ लोग पकड़े भी गए, और आज भी हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी और कैमरा ट्रैप करके उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की टीम के साथ पटेल नगर क्षेत्र में स्थित स्पा सेंटर में छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। जानकारी मिलते ही महिला आयोग के अध्यक्ष ने छापेमारी के लिए टीम को सूचना दी और मौके पर निरीक्षण के लिए साथ गई, जिसमें कि बॉडी रिलैक्सिंग स्पा, मैजिक टच स्पा, पीसफुल स्पा सेंटरों में मसाज देने के नाम पर देह व्यापार का रैकेट चलाया जा रहा था। वहीं मौके पर स्पा सेंटर में से 13 लड़कियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से नेपाल, सिक्किम, सिलीगुड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून और हरिद्वार से है। और इसमें जो मुझे लगता है कि दो सेंटरों का मालिक तो एक जो बहुत है, और हम देखते हैं कि जो देहरादून में जितने स्पा सेंटर चल रहे हैं उसके तमाम गलत इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, और विशेषकर विभिन्न राज्यों से आई महिलाएं हैं और इसमें उत्तराखंड की भी लड़कियाँ हैं। तो हम एक दुर्भाग्य का विषय है मान लो कि हमारे जो लड़कियाँ हैं इस तरह गलत रास्ते पर जा रही हैं, पैसे की चकाचौंध में और सही जो चकाचौंध है उसको बनाने के लिए, उसकी दुर्भाग्य आज है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोहाघाट क्षेत्र में लोगों ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लेते हुए स्वच्छता अभियान चलाया। बाराकोट में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठन जिला अध्यक्ष मीना बोहरा ने नौनिहालों और ग्रामीणों को पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई। इसके अलावा पीजी कॉलेज लोहाघाट में एबीवीपी और छात्र संघ के बैनर तले छुट्टी के दिन भी छात्र छात्राओं ने पौधारोपण करते हुए उनकी देखभाल करने की शपथ ली। पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही मैं ग्रामीण वासियों से निवेदन करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधों को लगाएं और अपने आसपास स्वच्छ और साफ सफाई बनाए रखें। उत्तराखंड में 3 विभागों में अटैचमेंट को किया गया है खत्म। उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के सभी अटैचमेंट खत्म किए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद में खत्म माध्यमिक शिक्षा में अटैचमेंट खत्म करने के आदेश हो चुके हैं जारी। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में 350 अटैचमेंट खत्म किए गए हैं। स्वास्थ्य में 150 के करीब, चिकित्सा शिक्षा में 200 के करीब कर्मचारी थे अटैचमेंट पर। अटैचमेंट की वजह से तैनाती वाले मूल अस्पतालों में मरीजों को हो रही है परेशानी। इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन करा रही है। इसके तहत सोमवार को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 2108 पॉलिटेक्निकल करने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी युवाओं को राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प के साथ काम भी कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के 2000 से ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसको लेकर छात्राओं ने खुशी जाहिर की। मेरा नाम नितेश यादव है। मैं नानक मता उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला हूं और मेरा प्लेसमेंट लुधियाना में आदित्य बिरला नाम की कंपनी में हुआ है और मेरा पैकेज 3,30,000 का है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारी सरकार द्वारा इतना अच्छा क्या कहते काम किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशिका चौरी है, मैं पॉलिटेक्निक काशीपुर से हूँ। मेरी आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज में प्लेसमेंट लगी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है फैमिली को लेके भी और कॉलेज को लेके भी। टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से हमें इंस्ट्रक्ट किया है, गाइड किया है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प कि अगले एक साल के अंदर 10,00,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उस क्रम में उत्तराखंड में भी जो हमारे यहाँ पर जितने भी रिक्त स्थान हैं उन सभी रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उसी क्रम में आज प्राथमिक शिक्षा के 2100 से भी ज़्यादा जो बच्चे जो विभिन्न विभिन्न संस्थानों में जिनको प्लेसमेंट मिला है उन सभी को आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहाँ जो सरकारी नियुक्तियाँ हैं उनको 100% भरना है। उसके लिए लगातार जो कैलेंडर है वो हमारा जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर बद्री विशाल से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि उन्नति और शांति की कामना की। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में दर्शन पूजा किया और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि सरकार और समिति द्वारा मंदिर में अच्छी व्यवस्था हो गई है और सभी श्रद्धालुओं को मंदिर के अच्छे और शांति से दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण एक अद्वितीय और प्राकृतिक स्थान है। इस पवित्र स्थान के दर्शन से हमें आत्मा की शांति, प्रकाश और सच्ची सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। हम यहाँ आकर स्वयं को पुनर्जीवित करते हैं, अपने अस्तित्व की महत्ता को अनुभव करते हैं और भगवान की कृपा और आशीर्वाद को अनुभव करते हैं। पहुंची हूँ, यात्री यहाँ पहुंचे हैं, सुविधाएं ठीक ठाक है, समिति और सरकार और पुलिस सब लोग चुस्त दुरुस्त हैं, बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हो रहे हैं लोगों के और मैं सभी को कहूँगी आइए और बद्रीनाथ जी का दर्शन करें। उत्तराखंड में एक के बाद एक आ रहे लव जिहाद के मामले में उत्तराखंड की शांत वातावरण में भी लव जिहाद नाम का जहर घोल दिया है। दरअसल पिछले एक दो महीने से प्रदेश के कई जिलों में लव जिहाद के मामले दर्ज किए गए। ताजा मामला उत्तरकाशी के पुरोला से आया था जहां पर हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। उत्तरकाशी के बाजारों को बंद भी रखा गया था और व्यापारियों ने लव जिहाद के मामले में आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने और इन मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रदर्शन भी किया। सोमवार को इन मामलों पर पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के शांत वातावरण में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन किसी को नहीं होगी।
लोहाघाट पीजी कॉलेज के गेट के सामने देवदार बनी में लोगों ने कूड़ा फेंकने से कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिस कारण से क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित होने लगा है। साथ ही साथ बहुमूल्य देवदार के पेड़ों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कॉलेज गेट के सामने कूड़े के ढेर लगने से पीजी कॉलेज के छात्र भड़क गए। उन्होंने कूड़ा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसको लेकर सोमवार को एवीबीपी और छात्र संघ पदाधिकारियों ने एवीबीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। विवेक पुजारी ने कहा कि कई बार प्रशासन के सामने कॉलेज गेट के सामने कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई, प्रशासन ने मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। पुजारी ने कहा कि कॉलेज गेट के सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण कॉलेज का कैंपस दो सीट होने के साथ साथ देवदार बनी और पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। भारतीय विद्यार्थी परिषद लोहाघाट इकाई एवं समस्त छात्र संघ लोहाघाट के पदाधिकारी द्वारा एचडीएम महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक ज्ञापन दिया गया, क्योंकि विगत वर्षों में हमने 3 या 4 बार हमने ज्ञापन दिया है। कॉलेज के मुख्य गेट में बहुत सारा कूड़ा एकत्रित हुआ है, जिससे कि छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और अनेकों बार ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि हमारा लोहाघाट स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट जिले का सबसे अधिक संख्या वाला महाविद्यालय है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कतों का सामना हमने रोज रोज करना पड़ा है। तो इसके लिए हमने ज्ञापन दिया और अपनी मांग उठाई है कि अगर इस तुरंत इसको सही नहीं किया जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं छात्र संघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे हैं। भाजपा कार्यालय में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की। एक माह तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2024 में भाजपा 400 सीट जीतकर ला रही है। इसका दावा है कि पुरुषों से ज्यादा महिला मोदी के पक्ष में मतदान कर रही है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार बनने के बाद आज पूरे विश्व में देश की अलग पहचान बनी है। देश विश्व की आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर है। केंद्र सरकार ने हर घर जल साथ 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया है। महासंपर्क अभियान जो 1 महीने का अभियान है, इसमें कुछ योजना राष्ट्रीय स्तर पर है, कुछ योजना प्रदेश स्तर पर है, कुछ लोकसभा स्तर पर रहेंगे और कुछ विधानसभा पर हैं, उसके बाद सब बूथ के अनुसार रहेंगे। इसमें पहले हम लोकसभा अनुसार करेंगे, फिर विधानसभा अनुसार, लास्ट के 10 दिन हम बूथों पर लगाने वाले हैं। बूथों में जाकर हम अपनी योजनाओं का व्याख्यान और योजनाओं को बताएंगे किस प्रकार से, देखिए हमने उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोड बनाई है, महिलाओं का आरक्षण दिया है, किस प्रकार से हम सुरक्षित वातावरण देने में जनता के लिए लाभ हो रहे हैं, हमने बेघरों को घर देने के काम किया है। उत्तरकाशी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एसआरएस मॉल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, इससे पहले देश का कायाकल्प हुआ। दुनिया में कोई भी घटना होती है तो सबकी नजर भारत की तरफ रहती है। अभी मॉर्गन स्टैनली ने जो बयान दिया है वो पहली बार किसी वित्तीय संस्था का बयान आया है जो इंटरनेशनल लेवल पर देती है। आज तक कभी उन्होंने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया है। चारों धाम हमारे आज चाक चौबंद और वहाँ की पूरी स्थिति बदल गई है। कितना अच्छा आने जाने के साधन हो गए हैं। जहाँ घास पकड़ के जाते थे वहाँ आप ट्रेन में हम यात्रा करेंगे। अभी आपने देखा है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी हमारी स्वीकृत हो गई है, उस पर भी काम होगा। अभी हम यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मांग कर रहे हैं कि रामनगर और काठगोदाम हल्द्वानी और टनकपुर से आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़ेगी। इतिहास कायम हो रहा है, हर जगह पर इतिहास कायम हो रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। We'll be right back.
खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहा कार्य आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। शहर की सड़कों पर बेहिसाब गड्ढे और सीवर लाइन के लिए खुदी हुई सड़कों की वजह से आमजन जीवन आक्रोशित हो रहा है। स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग के साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए खूब बवाल काटा। साथ ही अपनी मांगों को लेकर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा के पूर्व विधायक अरशद खान रुड़की पहुंचे, जहां कार्यालय पर फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। अरशद खान ने कहा कि भारत किसान यूनियन किसान की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज तक जो भी पार्टी सत्ता में रही, उन्होंने किसान की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज देश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों में जो जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा है, उसे समाप्त करके एक साथ जोड़कर मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना है, और मोहब्बत और भाईचारा पैदा करके समाज से दंगा मुक्त भारत बनाना है हमें, भारत को। ये सैयद वसीक अहमद साहब जिला अध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के भी हैं और भारत किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। शशांक गर्ग साहब हैं हल्द्वानी के। इस तरह से पूरे उत्तराखंड में धीरे धीरे गठन हो रहा है, हर जिले में 25-50, 100-200 लोग हो गए हैं। भारत किसान यूनियन पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। केंद्र सरकार से ही मांग किया हमने, और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से पूरी देश की प्रदेश सरकार, तुम्हारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए।
हमने देखा कि उद्योगपति जितनी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है वो अपना रेट खुद तय करता है, सरकार से नहीं पूछता, लेकिन किसान जितनी चीज़ें पैदा करता है उसका रेट सरकार तय करती है और वो लोग तय करते हैं जो खेती किसानी जानते नहीं हैं। किसानों के जो भी मुद्दे हों, किसी भी तरह के कोई भी मुद्दे, चाहे वो महंगाई को लेके मुद्दा हो, चाहे उनके फसल के रेट को लेके मुद्दा हो, हम उस पर जिस तरह का भी हमसे आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, वो उसके लिए हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। किसानों को अपने साथ में किसानों को जोड़ेंगे सभी, उसमें कोई भी किसी भी तरह का मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, जो भी सभी तरह के जो भी किसान होंगे उन्हें सबको अपने साथ में जोड़ के चलेंगे। हार्डवेयर व्यापारी को धमका कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने दो युवकों को पकड़ लिया है। साथ ही धमकी भरे कॉल करने और टेक्स्ट मैसेज भेजने में इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद किए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कोतवाली हरिद्वार में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने फोन कॉल कर इलेक्ट्रॉनिक अन्य कई बातों का ध्यान रखते हुए फील्ड से अपने मुखबिरों का जाल बिछाया और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पर हमने विशेष टीम बनाई थी, चूंकि तीन मुकदमे दर्ज हो गए थे और इस विशेष टीम की जो सुरागरसी की गई उसमें हमने दो लोग को इस पर अरेस्ट किया है जो तथाकथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताकर एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहे थे। इनके द्वारा रेकी करके हरिद्वार और रायवाला क्षेत्र के व्यापारियों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई थी और ये सोचते हुए उनके पास काफ़ी धन है इनको कॉल की गई थी। इसमें दो लोग को गिरफ्तार किया गया है, इसमें गोविंद बाबू और वीरेंद्र उर्फ छोटा सुनार है जिनको अरेस्ट किया गया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। खबर काशीपुर से है जहां ब्रांडेड कंपनी की नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। नकली सीमेंट के करीब 1250 कट्टे बरामद किए गए, साथ ही अलग अलग कंपनियों के नकली खाली कट्टे भी मिले हैं। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जबकि फैक्ट्री का मालिक अभी फरार बताया जा रहा है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अनधिकृत तरीके से गोडाउन हायर किया गया था और उसी में उसके द्वारा नकली विभिन्न ब्रांडों के सीमेंट की बोरियां पैक करके और दामों पर बेच करके लाभ कमाया जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम वसीम है, यह मूलतः रामपुर का रहने वाला है। इस पर उत्तराखंड और यूपी में भी विभिन्न मुकदमे इस पर पहले से भी दर्ज है। यहाँ पर लगभग 1250 के करीब हमें बोरियाँ मिली हैं, भरी हुई सीमेंट की बोरियाँ मिली हैं जिसमें अल्ट्राटेक माइसेम से लेकर के और एसीसी सीमेंट और बांगर सीमेंट की भी बोरियाँ हैं। जब इन उत्पादों के जो अधिकृत यहाँ पे निर्माता कर्मचारी हैं उनसे जब चेकिंग कराई गई तो उनके द्वारा इस चीज़ को सैंपल को ये किया गया कि हाँ ये इसके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अवैध तरीके से इसको संचालित किया जा रहा है। अभी यह व्यक्ति फरार है, इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा क्राइम करने के साथ साथ 420/67/68/71 IPC के साथ साथ कापी राइट एक्ट में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रतापनगर की लाइफलाइन कहा जाने वाला मुख्य मोटर मार्ग बदहाल है, जो प्रतापनगर को जिला मुख्यालय और चंपा ऋषिकेश देहरादून को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस सड़क मार्ग का मुद्दा ग्राम पंचायत समेत सेम के प्रधान राहुल राणा ने प्रमुखता से उठाया और चेतावनी दी थी कि यदि ये मार्ग एक माह के अंदर ठीक नहीं किया गया तो विभाग के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल भी करेंगे। बता दें कि पुल के खोले जाने के 2 साल बाद भी इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। मसूरी में सिविल रोड के पास उप जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट के पास सड़क टूटी हुई है। पुनः निर्माण के नाम पर प्रशासन ने सड़क तोड़ी थी लेकिन 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। नई गाड़ी थी अब लाइट 4, उसका यहाँ पे बम्पर टूट गया पूरा, उसने बोला हाँ, उसके बाद वो ऊपर आया नहीं, यहाँ से वापस ही गया। ठीक है, फिर हम कहना चाहते हैं इस रोड जब ये तोड़ी तो बनाई क्यों नहीं गई ये रोड, इसको बनाना चाहिए ना, ये जो को फंस रहे बाइक वाले गिर रहे हैं। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर अटला कोठी के पास एक ग्लेशियर टूट गया। इस हादसे में एक महिला लापता हो गई है, वहीं 4 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू अभी भी जारी है। घटना देर शाम लगभग 6 बजे के बाद की है। हादसे के बाद घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों और घोड़े खच्चर संचालकों के रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि इस एक सिख यात्री अभी भी यहां से लापता है। चमोली के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि गुरुद्वारे से लौटते समय हिमस्खलन में फंसे 4 अन्य तीर्थयात्रियों को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है।
मानसून को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून के आखिरी दिन में मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि इस बार पूरे देश में मानसून सामान्य रहने वाला है, यानी पिछले दिनों के मुकाबले इस वर्ष मानसून में कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसने इस पे प्रेस रिलीज जारी की है और इसमें बोला है कि जो मानसून है वो सामान्य के आसपास रहने वाला। अगर पूरे देश की अगर बात करते हैं तो 96% के आसपास उन्होंने बोला कि वर्षा जो हमको मिलेगी जो कि सामान्य में आती है, और उसमें प्लस माइनस 4% जो मॉडल एरर है वो भी उन्होंने बोला कि इतना तक उसमें प्लस माइनस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो उसमें जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो रीजन है इसमें थोड़ा अंदेशा जताया गया कि इसमें जो एक्टिविटी वो थोड़ा कम रहेगी 92% के आसपास जो है, तो सामान्य से कम के लिए जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए वो बोला गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है आपको ये ओवरऑल अगर मानसून सीजन की बात करें 1 जून से लेकर जो पीरियड होता है 30 सितंबर तक का, तो इस तरह का ये बताया गया है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।